गुरुग्राम के भोंडसे पुलिस थाने की पीसीआर को एक झगड़े की सूचना पर जाना उस समय भारी पड़ गया जब आरोपियों ने पीसीआर पर लाठी, डंडे और ईंट पत्थर बरसाए। इस हादसे में पीसीआर इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली कि रठौज गांव के पास के अस्पताल में कुछ लोग दवाई के पैसे मांगने पर झगड़ा कर रहे हैं। यही नहीं, उन लोगों ने अस्पताल के एक कर्मचारी को डंडा मारकर उसके हाथ को फ्रैक्चर भी कर दिया और बाकी अस्पताल कर्मियों के साथ भी गाली गलौज की, जिसकी सूचना के बाद पीसीआर वहां पहुंची। पीसीआर के वहां पहुंचते ही झगड़ा कर रहे लोगों ने पुलिस पीसीआर पर लाठी, डंडे और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसके बाद पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे यहाँ 2 मरीज एडमिट थे और कुछ बंदे बाहर से दवाई लेने के लिए आते हैं, जो कि मेरे स्टाफ से दवाई मांगते हैं। स्टाफ ने दवाई दे भी दी। स्टाफ के पैसे मांगने पर उन्होंने उनका हाथापाई की, मार पिटाई की, और जब स्टाफ ने ज़्यादा बोला तो उन्होंने बोला अभी आ रहे हैं 2 मिनट रुको, और बंदे लेके आए। उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन किया, पीसीआर आई तो उन्होंने पीसीआर वालों को भी मारा और पीसीआर को भी तोड़ा जी। और ये रोज रोज का काम है इनका, डेली रात को शराब पीकर आना। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये लोग पीसीआर पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे युवक पीसीआर पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में भोंडसी थाना में 2 आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहां पर गए तो जो लोग झगड़ा कर रहे थे उन्होंने पुलिस को भी, पुलिस के साथ भी मार पीट की, तथा पुलिस को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है, इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आम जनता तो दूर, लोगों को बचाने वाली पुलिस पर भी अब बदमाशों ने हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या आम जनता सुरक्षित है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्रवासी एक्सप्रेस के साथ।